हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई, दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखो कैसा लग रहा है पूरा, मतलब लाइटिंग देख रहे कितनी प्यारी लग रही है। पूरा वहाँ तक तो पूरा सजाई हुआ है, भूल रही यहाँ पे। तो ये देखिए, ये मेरा फ्लैट है और ये देखिए कैसा सजा हुआ है। अभी पता है दिन में इतना नहीं दिख रहा है, अभी पूरा लाइक अंदर तक पूरी लाइटिंग कर रखी है। बाहर तो बाहर, अंदर पूरा आपको क्लियर दिख रहा है। सजा तो हर जगह है, मतलब ये देखिए पूरा, मतलब लाल लाल। तो अब हम एंटर करने वाले हजरतगंज द हार्ट ऑफ लखनऊ। वैसे सच में बताऊं तो ये वैसे ही हमेशा लाइक चमकता रहता है, तो इतना खास डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, तो भी डिफरेंस थोड़ा बहुत पता चल रहा है। और भाई ये फॉग पॉल्यूशन बहुत ही क्लासिक है भाई। ये जगह थोड़ी तो ये खड़ी अपनी इंटरसेप्टर। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई, दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भाई। और दिवाली मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने पर्सनल टाइम में, और मेरा घर लाइक थोड़ा बड़ा है तो साफ़ सफाई करने में, काम करने में, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं रहता। तो तीनों जगह साफ़ सफाई करना, ये सब करना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और पर्सनली मैं ही हूँ सब करने वाला, तो इन सब चीज़ों में लग जाता है टाइम। तो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए वीडियो नहीं आ पाई। तो अभी आज है दिवाली का, लाइक दिवाली के दो दिन हो चुके हैं। आज है 14 तारीख, तो आज जा रहे हैं थोड़ा शहर घूमने। अभी भी आज पूरा सजा ही होगा, तो थोड़ा आपको दिखाएंगे कैसे लखनऊ की स्ट्रीट्स हैं। अब उस दिन मैं रिकॉर्ड करना चाहता कर सकता था, लेकिन यार अब मैं इंजॉय कर रहा था तो यार वो जोन में नहीं करना चाहता था, थोड़ा अपने लिए पर्सनली। वो देखते हैं क्या भीड़ भाड़ रहेगी, क्या माहौल रहेगा दिवाली में वहाँ। तो चलते हैं रोड पर। तो ये देखिए, ये मेरा फ्लैट है और ये देखिए कैसा सजा हुआ है। अभी पता है दिन में इतना नहीं दिख रहा है अभी, वरना पूरी लाइटिंग दिखे, जो ब्लू लाइट्स दिख रही हैं ऐसे हर जगह, वहाँ ग्रीन है, ब्लू है, ऐसे अलग अलग लाइटिंग लगी हुई है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी तो कई लोगों ने आई थिंक सजावट हटाई है, वरना कल तो बहुत था। तो चलते हैं, देखते हैं लखनऊ अपना कैसा लग रहा है। तो आ गए हम पक्का बोल। ये देखिए भाई, ये रहा अपना बड़ा इमामबाड़ा, और राइट साइड में देखिए घंटाघर दिख रहा है। और भाई पूरी, मतलब लाइटिंग वाइटिंग लोगों ने बहुत दिन पहले से ही कर ली थी, मैंने ब्लॉग में कभी कवर नहीं किया था। अभी बीच में एक दो बार में आया था यहाँ पे, लेकिन देखिए क्या लुक लगा रहा है, बहुत ही प्यारा। और राइट साइड में अपना कुड़िया घाट है। तो अभी मैं आपको लेफ्ट का व्यू दिखाता हूँ भूल भुलैया का, पहले पास से कैसा है, कैसा सजा है, बहुत ही प्यारा लगेगा भाई। स्ट्रीट लाइट सब बंद है क्योंकि भाई इतना वोल्टेज बढ़ जाता है ना इसमें आपका दिवाली में, क्योंकि हर कोई झालर आलर इतनी लाइटें जला रहा होता है, तो पूरा कनेक्शन होता है हाई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। ओके, ये देखिए कैसा लग रहा है पूरा, मतलब लाइटिंग देख रहे कितनी प्यारी लग रही है। उधर पूरा वहाँ तक तो पूरा सजाई हुआ है, भूल रही यहाँ पे रूमी गेट पे इतनी लाइटिंग नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों। अब घट्टा घर हमारा वहाँ है, तो यहाँ से पूरा देखिए क्या व्यू लग रहा है। मैं यहाँ से राउंड मार के फिर आपको यहाँ से पूरा दिखाता हूँ कैसा आगे से लग रहा है। तो चलते हैं वहाँ से, देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से तो कुछ भी व्यू नहीं आ रहा, मतलब लाइक कुछ भी लाइटिंग वाइटिंग नहीं हुई है अब, क्यों ये तो पता नहीं। रूमी गेट पर बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों ने बड़े इमामबाड़े पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग कर रखी है और वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से तो पूरी चमक ही चमक दिख रही है। पूरा लाइक अंदर तक पूरी लाइटिंग कर रखी है, बाहर तो बाहर, अंदर पूरा आपको क्लियर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और लेफ्ट में देखिए, ये लाइक बोलते थे कि यहाँ पे रानी का कक्ष था, या आई गेस नौकरों की कुछ जगह थी, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओ भाई क्या माहौल है, मतलब ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि सब लोग आई थिंक दिवाली के दिन तो ज़्यादातर लोग घर ही पर रह रहे होंगे, और आई थिंक ये लास्ट दिन होगा छुट्टी का है, क्या पता आज से लोग जाना चालू कर दिए होंगे।
और सब लोग घूमने के बहाने ही आजकल जो निकले होंगे अभी वही दिख रहे हैं। और अच्छी खासी भीड़ भी है, मतलब ठीक ठाक भीड़ है, ट्रैफिक इतना नहीं है, लेकिन हाँ जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना ये सब घूमने पर्पज से ही निकले होंगे, ये तो मैं श्योर बता सकता हूँ। ये भाई फेस्टिव सीज़न में कौन ही मतलब इतना जॉब वॉब इतना, सब लोग आधे तरह के लोग छुट्टी लेके बैठे होते हैं, कोई शॉपिंग करता है, कोई लाइक घर का सामान लेने के लिए निकलता है, कोई मंदिर घूमने निकलता है, कहीं कोई कुछ सजा तो हर जगह है। मतलब ये देखिए पूरा मतलब लाल लाल, ये देखिए मंदिर सजाई अपना, मसाखी देखिए क्या सजा है, केडी बाबू स्टेडियम है। नहीं मुझे लग रहा है अच्छी खासी लाइटिंग थोड़ी तो कम हुई है, वरना दिवाली वाले दिन उस दिन तो क्या लुक था, हम लोग लाइक 11th फ्लोर पे खड़ा था मैं सचिन के फ्लैट पे, और वहाँ से पूरा लाइक नहीं पूरी सिटी दिख रही थी, और इतना कलरफुल हर जगह हवा में पटाखे लग रहे थे, इतना प्यारा व्यू था। और मैंने एक दो रील्स देखी थी जिनने ड्रोन से अप शॉट्स लिए थे, इतना प्यारा लग रहा था कि पूछे मत। तो अब हम एंटर करने वाले हज़रतगंज, द हार्ट ऑफ लखनऊ। यहाँ पे तो लुक ही चेंज हो जाता है पूरा। ओ भाई क्या लाइटिंग है भाई, वैसे सच बताऊं तो ये वैसे ही हमेशा लाइक चमकता रहता है, तो इतना खास डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ तो भी डिफरेंस थोड़ा बहुत पता चल रहा है, जो अलग से ग्रीन लाइट रेड लाइट्स और जो झालरें लगी हैं ना उनसे डिफरेंस पता चल जा रहा है। इन बहुत सजा है और अच्छे खासे लाइक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो तो पक्का चले गए होंगे अपने अपने घर, तो इस वजह से थोड़ा साइड्स में आपको जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे थोड़ा माहौल थोड़ा लो दिख रहा होगा। इधर हो गया देखिए लेफ्ट साइड वेफ्ट साइड में, वरना यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ रहती है। परमानेंट टाइम में स्टूडेंट्स होते हैं सब, इस समय छूटने का टाइम होता है कोचिंग का, सब घूम रहे होते हैं। सबसे बड़ा आई थिंक त्यौहार पूरे इंडिया का दिवाली आई गेस होता है, होली और दिवाली इन दोनों में से कोई एक होगा, इससे बड़े स्केल में कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है इंडिया के लिए। भाई प्राउड मोमेंट ही है, इतने वास्ट स्केल में कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता होगा जितना ये मनाया जाता है। और ये रहा अपना हेज़लनट भैया, अमीरों के खानदान के लोग यहाँ जाते हैं। अच्छा कौन खाए एकदम महंगा महंगा सामान, भाई अपने पास इतना पैसा तो है ही नहीं, होगा भी तो भी नहीं जाऊंगा कभी। बात तो सही है कभी नहीं भाई कभी नहीं। अच्छा खासा प्यार से सजा के रखा है भाई, ये क्या है मान्यवर, प्यारा लग रहा है भाई। रोजेस से इन लोगों ने पूरा रोज़ आर्टिफिशियल रोजेस से इन लोगों ने पूरा वो किया भाई, ड्यूरोफ्लेक्स मुझे कुछ और लगा अबे मैंने कहा वही मैं सोचू इतना बड़ा बैनर कौन लगाएगा, वो भी लाइटिंग वाइटिंग के साथ, हंसी आ गई थी मुझे भाई। वहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही क्लासिक तो है भाई ये जगह, थोड़ी एक अलग ही लेवल पे क्लासिक लगती है, और पूरा लाइक यहाँ पे एंटर कर दो तो लगता है आप एक क्लास में आ चुके हो, जहाँ पे रेपुटेड जगह है पूरी, बहुत प्यारा लगता है। टैटू शॉप भाई ये तो मुझे हमेशा जाता हूँ, मेरी नज़र चलती है क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम से मन कर रहा है टैटू बनवाने का, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या बनवाऊँ, ये तो पूछ के ही बनवाऊँगा मैं, जो सच है ऐसे नहीं विदाउट परमिशन नहीं बनवाऊँगा, तो मैं जानता हूँ भाई मेरे पापा तो बोलेंगे नहीं लेकिन सुनाएंगे ज़रूर, अगर मैं चुप्पे से बना लूँगा, लेकिन चुप्पे से बनाना ही क्या, बोल के ही बनाऊँगा मैं, तो बताता हूँ मैं कब बनवाऊँगा। कौन सी जगह है, बलरामपुर गार्डन के, प्यारा लग रहा है। आई होप आप लोगों ने दिवाली भाई अच्छे से मनाई होगी सेफली और इन्जॉय किया होगा भाई अपने फैमिली के साथ। तो ये खड़ी है अपनी इंटरसेप्टर, बढ़िया लग रही है, एंड मुझे पर्सनली कॉन्टिनेंटल ही पसंद है, जेटी कॉन्टिनेंटल भाई प्यारा, उसको स्लिम लुक है भाई, बिल्कुल मस्कुलर टाइप की थोड़ी लगती है, ये थोड़ी इसकी टंकी राउंड में आ जाती है तो थोड़ा मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती, लेकिन अच्छी लग रही है। इन बहुत हैवी होती है भाई ये, मतलब ड्यूक से तो बहुत हैवी है ये तो है, और ऊपर से भाई दो दो साइलेंसर्स कट मारने में सब करने में ना थोड़ा डर लगा रहता है कि कहाँ छू जाए या कुछ हो जाए, थोड़ा तो है लीन एंगल इसका इतना अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है वो क्रूज़र बाइक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा पावरफुल होती है क्रूज़र से,
स्पीड वाइज, अगर इंजन वाइज मैं कहूँ हाँ वीक हो सकती है, क्योंकि लाइक वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड मेटल्स की बनी होती है, और अपनी जैसे स्पोर्ट्स बाइक होती है वो थोड़ी ज़्यादा क्लीन शिफ्ट होती है और ज़्यादा लाइट वेट और टेक्नोलॉजी से पूरी भरी होती है। एनीवे कोई भी बता देगा ड्यूक 390 जीटी कॉन्टिनेंटल और इनसे ज़्यादा बैलेंस्ड और ज़्यादा फास्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली बताया ना टेक्नोलॉजी जो KTM है वो बिल्कुल हाई एंड टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, और बिल्कुल अच्छे से नहीं कहते, बिल्कुल स्पीडिंग के लिए ही बनाई जाती है। और कॉन्टिनेंटल जीटी और ये सब लाइक थोड़ा हार्ड टाइप कैफे रेसर बाइक होती है, जो लाइक नहीं होती रफ एंड टफ टाइप की, जो ऑफ रोडिंग भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ड्यूक से ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते लेकिन उससे कर सकते हैं, क्योंकि उसका वेट और ये सब भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जो उसकी हार्डनेस इंजन की होती है वो वहाँ काम आती है, जो कि ड्यूक की काम नहीं आ सकती। और भाई ये फॉग पॉल्यूशन है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा था अभी तो, फॉगी फॉगी पूरा हो गया था भाई, पूरा फॉगी फॉग हो गया था, कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अच्छा खासा फॉग हो गया है। तो चलते हैं चटोरी गली साइड और देखते हैं क्या माहौल है इधर, यहाँ पे तो लोग जा रहे हैं भाई। मुझे तो पर्सनली बताऊँ यहाँ का सबको खाना अच्छा लगता है, मैं तो इतना फूडी गाय नहीं हूँ, तो मुझे तो लाइक इसका ओपिनियन नहीं बोलूँगा, लेकिन बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ के प्राइस थोड़े ज़्यादा ओवर रेटेड लगते हैं मुझे, बाकी सब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ जगह के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस बढ़ ही जाते हैं, हाँ बिल्कुल होता है, तो भी मुझे लगता है थोड़े बहुत ज़्यादा ही लेते हैं लोग, टीम रहता है। तो अंदर मैं मैक्सिमम जाऊँगा, देखूँगा क्या है, मन किया तो कुछ खा लूँगा, नहीं किया तो भाई अपना तो फेवरेट चाय और कुछ नहीं। चटोरी गली से निकल गए भाई, वहाँ पे बस चाय वाय पी भाई, उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता भाई वहाँ पे क्या खाएं, पता नहीं हेम टेम पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, और बिल्कुल बटर में डाल डाल के बिल्कुल डायबिटीज़ और सब कुछ दे देते हैं भैया, नहीं खाता मुझे जो रियलिटी में भाई। दिवाली वाली एक तरफ सेलिब्रेशन, एक तरफ डायबिटीज़, एक तरफ भाई इतना बटर ठान देते हैं। बटर इतना बटर इतना बटर कि भाई डूब के मर जाओ, खाना नहीं, ऊपर से चीज़ तो ऐसे डालते हैं जैसे इनके बाप की खेती है। दिवाली चली गई तो भी भाई मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, और भाई बेस्ट विशेस, आपकी फैमिली के साथ अच्छा हो, आप सब के घर में लक्ष्मी आए और आप सब अच्छे से ग्रो करो लाइफ में। तो आ गए हम पुराने लखनऊ की तरफ, यहाँ की थोड़ी रंगत आपको अलग ही देखने को मिलेगी भाई। पुराना लखनऊ मैं कहूँगा ना आपको सबसे ज़्यादा लाइक कल्चर से जुड़ा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे ना आपको लाइक ज़्यादा मतलब कहते नहीं है हर चीज़, मतलब चाहे फेस्टिवल टाइप में ले लो या कोई कल्चर टाइप में ले लो, बिल्कुल डीप दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब लाइक थोड़े कहते नहीं पुराने ख्यालात वाले और रूट से जुड़े हुए लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए वहाँ पे आपने देखा होगा एक भी पटाखे की आवाज़ नहीं चल रही थी, यहाँ पे तब से मैं देख रहा हूँ पटाखे ही पटाखे दग रहे हैं, मतलब इधर आवाज़ आ रही है सब कुछ। अभी हम लोग पुल पे आ जाएंगे तो वहाँ से दिखेगा, हर जगह देखिए यहाँ पे हर जगह लाइटिंग कर रखी है। अब यहाँ पे ये कोई मार्केट स्पेस नहीं है, ये सब घर है, घरेलू जगह है सब, लेकिन यहाँ पे एरिया देखिए बस आप पूरा कलरफुल।